सूक्ष्म मृत विज्ञान और यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी के सम्मानित सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुशील कुमार शर्मा, मैंने पहले भी आप लोगों को नाड़ी परीक्षा के बारे में बताया है, लेकिन लोगों को भूलने की आदत होती है और पिछली चीज़ों को, वो पूर्व में बताई हुई चीज़ों को वो ज़्यादा देखते नहीं हैं, वो तो लेटेस्ट वीडियो ही देखते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए, और चूंकि चिकित्सा क्षेत्र में पुनरावृत्ति को दोष नहीं माना जाता, वैसे साहित्य में पुनरावृत्ति को दोष माना जाता, तो आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ नाड़ी परीक्षा के संबंध में। आइए जानते हैं नाड़ी परीक्षा से हम क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या उससे प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि डॉक्टर को नाड़ी का ज्ञान ही नहीं होता, वो सब कुछ आपसे पूछता है और फिर भी कुछ उसको समझ में नहीं आता है तो वो बड़ा सा पर्चा लिख देता है कि जा कर के आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, आप ब्लड टेस्ट करवा लें, आप एक्सरे करवा लें, आप MRI करवा लें और जो भी जांचें होती हैं, तो वो डॉक्टर ये करते हैं। इससे क्या है कि अपव्यय होता है पैसों का भी, और आज की जो औसत आयु अधिकतम 60 वर्ष मान ली गई है, जबकि प्राचीन काल में तो लोग हजारों वर्ष जीते थे, और अभी हमारी पिछली पीढ़ी भी 100-100 वर्षों तक जीती थी, अभी भी 100 वर्ष से ज़्यादा के लोग जीवित हैं संसार में। और खुंजा घाटी है जो कश्मीर में, खुंजा वैली कहते हैं उसको, वहाँ की महिलाएं तो 90 साल तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। 80 साल की महिला को आप देखेंगे तो आप उससे विवाह करने को तैयार हो जाएंगे, इतनी सुंदर होती है। तो राज क्या है? प्राकृतिक जीवन शैली और प्राकृतिक तरीके से उनका इलाज। हमारे पिछली पीढ़ी के लोग जब किसी वैद्य जी के यहाँ जाते थे तो वो उनसे कुछ बात नहीं करते थे, जाते थे सीधे, वो अपना हाथ ऐसे आगे कर देते थे, ये देखो। अब वो अगर डॉक्टर आजकल पूछता है बताइए आपको समस्या क्या है, तो मरीज लड़ जाता है कई बार कि तुमको आता जाता क्या है। और वैद्य जी होते थे तो बस उन्होंने यूँ नाड़ी पकड़ी इस प्रकार से, और नाड़ी पकड़ के जैसे मैं देख रहा हूँ, बस नाड़ी पकड़ी और बस तीन उंगलियों को नाड़ी पर लगाया और इसके बाद में बस वो बताना चालू कर देते। तो मैं भी जब इलाज करता था या अभी भी करता हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। मेरे जो दादाजी थे यानी ताऊ जी शिक्षक थे, लेकिन उनको नाड़ी का अच्छा ज्ञान था, और इस क्षेत्र में नाड़ी का ज्ञान प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने ही मुझे दिया, और उस ज्ञान को मैंने कभी झूठा नहीं पाया। तो जब कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, आपको कोई भी चीज बता दी जाए लेकिन बताना पर्याप्त नहीं होता है, प्रैक्टिकल उसको जितनी बार आप ज़्यादा लोगों की नाड़ियाँ देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्वयं अनुभव होता चला जाएगा। अब हाल ये हो गया कि मरीज आता था और सीधे गांव का आदमी आया, उसने सीधे हाथ आगे कर दिया, बोला चला कुछ नहीं। अब उसकी नाड़ी देख करके मैंने उसके बारे में बताना शुरू कर दिया तो वास्तव में चौंकता था कि सब कैसे पता हो गया इनको। उससे भी मेरी काफ़ी धाक बनी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ
उनको नोट करें। उन चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे नाड़ी देखने में आप अभ्यस्त हो जाएंगे और कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो पहला तो ये है जो हमें बताया उन्होंने कि सबसे पहला तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी मरीज को देखना, तो जो ज़्यादा उम्र का हो, ज़्यादा सीरियस पोजीशन में हो, क्योंकि उस समय मेरी उम्र कम थी तो उन्होंने यही हिदायत दी थी कि जो ज़्यादा सीरियस पोजीशन में है उस मरीज को आप मत देखना, मना कर देना। दूसरे, नाड़ी देखना, और नाड़ी देखने में ये देखना कि उसकी नाड़ी बिना रुके 60 बार चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर 60 बार तक वो नाड़ी उसकी बहुत अच्छी चल रही है तो उस मरीज को इलाज करना, वो ठीक हो जाएगा। 60 बार का मतलब कि बिना रुके एक लय में नाड़ी जब 60 बार चले और झटका न दे बीच में, तो उस मरीज को ठीक है, देख लेना। नंबर दो, 50 से अगर एक भी कम स्पंदन रह गया नाड़ी का, 50 के पहले ही झटका देने लगी, उस मरीज को आप बिल्कुल देखना मत, उसका इलाज मत करना। और तीसरी बात बताई कि 50 से जितनी कम बार, यानी कि किसी की नाड़ी अगर 45 बार धड़कने के बाद में फिर झटका खा के फिर चलती है तो व्यक्ति 45 दिन के अंदर, बल्कि 45वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अगर 30 बार झटका, वो चलने के बाद झटका देती है तो 30 दिन बाद। ऐसे मैंने इस बात को ध्यान रखा और कई मरीजों को मैंने नाड़ी देख करके ही बता दिया कि इस मरीज का जीवन अब 35 दिन का है, या इस मरीज का जीवन अब 50 दिन का है, या इस मरीज का जीवन अब 30 दिन का है, 40 दिन का है, ऐसा मैं भविष्यवाणी कर दिया करता था। और वो भविष्यवाणी एक आध दिन के अंतर से सत्य साबित होती है। मान लीजिए मैंने 35 दिन कह दिया तो वो 36 दिन बाद मरीज मरा, या 34 दिन बाद ही मर गया, ऐसा हो जाता था, लेकिन सटीक भविष्यवाणी होती थी। अब इतना तो चलता है। और ये है कि फिर ये बताया कि देखिए मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये कलावा नीचे कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर नाड़ी को पकड़ना है ना, ये ऐसे। तो जब यहाँ पर नाड़ी को पकड़ेंगे तो यहाँ आपको नाड़ी धड़कती हुई मिलेगी। तो ये तीन उंगलियाँ, ऊपर वाली उंगली, बीच वाली उंगली, और अब कैसे दिखाऊं मैं, ये ऊपर वाली उंगली, ये बीच वाली उंगली, और ये नीचे वाली उंगली, ठीक। तो ये जो अगर इस ऊपर वाली उंगली पर टकोर पड़ती है, ये तो ये वात की नाड़ी है। यहाँ पर अगर स्पंदन होता है तो ये वात की नाड़ी है। अगर ये बीच वाली उंगली पर स्पंदन होता है तो ये पित्त की नाड़ी है। और ये अगर स्पंदन नीचे वाला होता है तो ये कफ की नाड़ी है। फिर तो अब इनके गुणधर्म बताए गए। हाथ को नीचे कर लेते। अब ये अगर वात की नाड़ी ऊपर वाली धड़कती है इस जगह पर, तो आप ये समझ जाइए कि उसको वात विकार, यानी कि वायु विकार की शिकायत है। अब जब अध्ययन आप करेंगे तो अध्ययन में इसे पता चल जाता है कि वात विकार से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, पित्त विकार से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, और कफ विकार से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं। तो ये चीज, तो अब वात विकार की नाड़ी अगर चल रही है तो फिर उसको आपको गठिया वाय, आम वात, कमर में दर्द, या एक रिंगन वात होता है,
आम बात में पूरे शरीर में दर्द होता है, सूजन होती है, लेकिन गठिया बात में गांठों पर दर्द होता है जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं, और रीगन बात होता है उसमें किसी चीज़ का ये नहीं होता, आज ये वाला हाथ दर्द कर रहा है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरे दिन पता चला कि कमर दर्द कर रही, चौथे दिन सिर दर्द कर रहा है, पांचवे दिन है ना पैरों के जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं। तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये कौन सी बात है, वो रीगन बात कहते हैं। कभी कभी नीचे से ऊपर को चढ़ती हुई या ऊपर से नीचे को उतरती हुई भी ऐसी बात की समस्या होती है। अब इसके बाद में हम ये भी देखते थे कि छोड़ो नाड़ी देख ली, तो अब उसका लीवर चेक किया, लीवर में स्टेथोस्कोप लगा करके देख लिया या हाथ से ही टटोल करके, यदि वहाँ पर दर्द है तो इसका मतलब ये जो कोष्ठ होते हैं ना, यहाँ पर अगर दर्द है तो निश्चित रूप से वहाँ पे लीवर की प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ लीवर की समस्या होगी। वो सब चीज़ पूछ करके इसके बाद में फिर हम बताते थे कि आपको ये समस्या है, और वो बात बिल्कुल सही निकलती थी। मैंने तो आपको बहुत संक्षेप में बता दिया है, लेकिन आप इसको विशद रूप में धीरे धीरे आप नाड़ी परीक्षा के ग्रंथ भी हैं उनको पढ़ करके देख सकते हैं। अब उसमें नाड़ी ग्रंथों में तो तमाम दिया हुआ है कि खरगोश की तरह चलने वाली नाड़ी है ना, या अलग अलग वो बताते हैं। तो नाड़ी का एक विशाल विज्ञान है, मोटी सी किताबें भी हैं उसकी। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो कि जनरल हैं और जो जिनका बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है। अब पित्त की नाड़ी अगर चलेगी तो जाहिर सी बात है कि पित्त की नाड़ी अगर चलेगी तो फिर उस शरीर में पित्त की अधिकता होगी, और जब पित्त की अधिकता होगी तो आँखें पीली होंगी, उठने में उसको चक्कर आएगा, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, है ना, शरीर में पीलापन होगा, कब्ज रहेगी, है ना, पित्त के जो लक्षण हैं, अम्ल पित्त भी हो सकता है, डकारें आ सकती हैं, उल्टी हो सकती है, गैस बनेगी, ये सारी बातें हो सकती हैं, और मल बदबूदार होगा। अब आई बात कफ की, अब अगर नीचे की नाड़ी सबसे नीचे वाली नाड़ी वो चल रही है तो कफ की नाड़ी होगी, और ये कफ की नाड़ी होने पर सर्दी जुकाम खांसी है ना, शीत ज्वर और श्वास कास, फेफड़े का रोग, प्लूरिसी, ब्रोंकाइटिस है ना, आँखों में कफ की अधिकता से आँखों में जाला माड़ा इत्यादि पड़ने की संभावना हो सकती है। अब कफ की नाड़ी अगर चल रही है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, बाल तो नहीं सफ़ेद हो रहे हैं, ये भी समस्या उससे उत्पन्न होती है। तो बालों को देख करके भी आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका नज़ला मतलब सीजनल है या बहुत दिनों से है। अगर उसका नज़ला 2-4 साल पुराना है तो बाल जरूर सफ़ेद होने लग गए होंगे, वो भी आप देख करके बिना पूछे, मरीज से बिना पूछे भी आप स्वयं बताएंगे कि आपको ऐसा ऐसा होता है। तो मरीज और मरीज के घर वाले भी आपका लोहा मान जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है कि आप नाड़ी देखते हैं और नाड़ी की गति देखते हैं, वो नाड़ी बताती है कि इसके अंदर क्या क्या कैसी कैसी समस्या। इस प्रकार से आप नाड़ी का देख सकते हैं, और जो कि मैंने बताया कि मरीज का आयु निर्धारण करना तो मतलब वो भी है कि 50 बार से जितने नीचे नाड़ी जाए तो उसको आप ये मान लें कि उतने दिन में उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप इस शक्ति शब्द का प्रयोग करें, बिल्कुल डिक्लेयर न कर दें कि मुख दिन आदमी मर ही जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा मतलब वैद्य को या डॉक्टर को कहना उचित नहीं होता है। वो वैद्य डॉक्टर का काम होता है कितना भी गंभीर मर्ज हो, मरीज को डॉक्टर की बातों से आधा मर्ज तो उसका
तुरंत दूर हो जाना चाहिए, उसको हौसला बढ़ाना चाहिए। आजकल के डॉक्टर डरा करके, धमका करके वो मरीज से पैसा ऐंठने में लगे रहते हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। मरीज को आपकी मुस्कान से, आपकी गंभीरता से, आप पर विश्वास हो, आधा मर्ज तो बिना दवा के आपको देख करके आपकी बातों से उसका ठीक हो जाना चाहिए, बाकी में वो दवा खाए, है ना। और तो ऐसे करके इलाज करना चाहिए। और अच्छा तो यही होगा कि अगर सुधीजन इलाज करें और वो इलाज अगर आयुर्वेद में हो बहुत ही अच्छा है, होम्योपैथ में हो, नेचुरोपैथ में हो, ये सारे इलाज अच्छे रहते हैं, असफलदायक होते हैं, जीवन को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रथम दृष्टया आपको इन्हीं नुस्खों का सहारा लेना चाहिए। तो नाड़ी परीक्षा का ये एपिसोड यहीं पर मैं बंद करने की अनुमति चाहूँगा आपसे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जब हमारे लाइव हुआ करें, लाइव का टाइम रहता है हमारा बुधवार को रात 8 बजे और रविवार को रात 8 बजे। तो अभी चूँकि यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी में तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक लाइव में कर नहीं सकता, तो इसको सब्सक्राइब करें। और जैसे ही इसमें 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कम्युनिटी टैब मिलेगा और लाइव करने की सुविधा मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो इस पर भी मैं लाइव आने लग जाऊंगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।